जी साहब, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पानी तो नहीं दे सकते साहब, माफी चाहते हैं। कैसी बात कर रहे भाई साहब, पानी के लिए भला कोई मना करता है क्या? थोड़ा सा दे दीजिए भाई साहब। एक बात बताइए साहब, आपके घर कोई जाए और ये कहे थोड़ा सा सोना दे दो, आप दे दोगे क्या? यहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है साहब, आपको दे दिया तो हमारे बच्चे क्या पियेंगे साहब। अरे भाई कुछ पैसे ले लो, मगर पानी दे दो यार। पैसे लेके क्या करेंगे साहब, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है साहब, बस पानी नहीं है। जाओ साहब जाओ, कोई और घर देख लो, शायद आपको कोई पानी पिला दे। नमस्ते साहब। अरे भाई साहब, भाई साहब प्लीज। कौन है भाई? कहिए, हैं? भाई साहब थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं क्या? कहां से आए हो बाबू, हैं? पानी मांग रहे हो, हैं? कुछ मत पूछिए भाई साहब, बस जल्दी से पानी पिला दीजिए। लाते हैं, पिलाते हैं। हाँ। धन्यवाद भाई साहब, मैं बहुत देर से पानी के लिए भटक रहा था, जल्दी से पिला दीजिए। पिलाते हैं, पिलाते हैं। वो देखो, समझ में आया कुछ? है? पानी के लिए लाइन लगी है। हाँ। सुना है शहर से पानी आएगा? कई महीनों से बर्तन ऐसे खाली पड़े हैं, अब पानी कब आएगा कब नहीं कुछ पता नहीं। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, वहां जाओ लाइन लगाओ और जब पानी आए तो पियो। नमस्ते, बढ़िया है पानी मांगने वाले। भाई साहब थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं क्या? पानी? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पानी नहीं मिल रहा है? तुम मेरा खून पीना चाहते हो? मेरा खून पसंद है तुम लोगों को? मेरा खून पीना चाहते हो इसलिए यहां बात करके रखे हो? अरे मत भूलो, जिस दिन मेरी जंजीर खुल गई भाई साहब कौन? भाई साहब इनको ये अंदर इस तरह से कैद करके क्यों रखा गया है? कैद करके? अच्छा, नंदू की बात कर रहे हैं साहब। क्या बताएं साहब, पिछले दिनों गंदा पानी पीने की वजह से गांव में कुछ लोग बीमार पड़ गए थे साहब, लेकिन नंदू के माँ बाप की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, और इसी पानी की किल्लत की वजह से नंदू की बीबी बच्चों को लेकर गांव छोड़कर चले गई साहब। कहां गई कहां नहीं गई कुछ पता नहीं चला साहब। नंदू बेचारा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया साहब और पागल हो गया। बांध के रखते हैं साहब, क्या करें, पानी के लिए ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, कभी सोचा नहीं था। आप साहब,
मैं बहुत देर से पानी के लिए भटक रहा हूँ भाई साहब, आप थोड़ा सा पानी का इंतजाम करा सकते हैं क्या? सुना है साहब, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आता। आप थोड़ा सा पानी पिलवा सकते हैं? कहते हैं ये जो वृक्ष होते हैं ना, बारिश लेके आते हैं, पर हम लोग एक पेड़ लगाना तो दूर साहब, अपने स्वार्थ के लिए आए दिन पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं, कहां से आएगा पानी साहब, कहां से होगी बारिश? और पता नहीं कब हम लोगों को अकल आएगी साहब, कब समझेंगे हम लोग। थोड़ा सा पानी का इंतजाम करा दीजिए भाई साहब। हम क्या पानी का इंतजाम करेंगे साहब, हम तो खुद आंसू पीते हैं, पानी कहां हमारी किस्मत में। चलता हूं साहब, नमस्ते। ए परदेसी बाबू, पानी पीना है? आप पानी पिला सकती हैं क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। 500 लगेंगे एक बाल्टी के, ला दूं? एक बाल्टी लेके क्या करूंगा बहन जी, बस प्यास बुझाने के लिए मिल जाता, काफी था। अरे इतने देर से धूप में घूम रहे हैं, पसीने पसीने हो गए हैं, मुंह हाथ धो लीजिएगा, अपने शीशी में पानी भर लीजिएगा। ला दूं? वो तो मुझे पैसों की जरूरत है बाबू, वरना अपना कलेजा काट के कभी नहीं देती। हाँ बाबू, इसको हमें पानी कलेजे का टुकड़ा ही है बाबू, ऐसे कोई किसी को नहीं देता बाबू, आपको चाहिए हो तो बताइए। अच्छा ठीक है, दे दीजिए, लीजिए। ठीक है बाबू, मैं पानी लेके आती हूँ, जाइएगा नहीं? कहिए, पानी बचा के आपने यहां से किसी बहन जी को जाते हुए देखा है क्या? कौन बहन जी? अरे इस गांव में तो बहुत सारी बहन जी हैं, पानी बचा के। किसकी बात कर रहे हैं आप? पानी बचा के? भाई साहब आप ये बार बार पानी बचा के क्यों कह रहे हैं? इस गांव में तो पानी है ही नहीं। अरे भाई पानी तो बहुत लोग बहाते हैं, बचाते बहुत कम लोग हैं, इसलिए मैंने इसे अपना तकिया कलाम बना लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और शायद उनको अकल आ जाए तो पानी व्यर्थ बहाना बंद कर दें। पानी बचा के? खैर आप सुनाइए पानी बचा के। बहन जी ने कहा 500 रुपए लगेंगे, एक बाल्टी पानी मिल जाएगा, पैसे लेके गई हैं, अभी तक आई नहीं, मुझे पानी पीना था भाई साहब। अरे भाई इस गांव में कुल्ला करके थोकने के लिए पानी नहीं है, आपको एक बाल्टी पानी कौन देने लगा पानी बचा के? अरे आप तो बेवकूफ बन गए, बहन जी गई चूना लगा के। भाई साहब आप ही थोड़ा सा पानी पिलवा दीजिए ना। अच्छा मजाक करते हो भाई साहब, पानी बचा के? अरे भाई इस गांव में किसी से पानी मांगना मतलब उससे उसके प्राण मांगना, भला अपने प्राण कोई किसी को कैसे दे सकता है? पानी बचा के? नहीं समझोगे पानी बचा के? हाँ समझ जाओ तो फिर क्या है। भाई साहब थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? माफ करो भाई, पानी नहीं दे सकते। अले ताब यहां, ताब नीते, ताब तलाम, ताब मोन्तु, ताब ताब
पानी पीना आप तो? क्या बताएं ताप, इस गांव में पहले बहुत पानी था ताप, लोग दिन में दो बार नहाते थे ताप, तू पानी बहाते थे, मैं जब उन तो लोटता था ताप, ती पानी बेतार नहीं बहाओ, पानी बेतार नहीं बहाओ, तो मैं ते बोलते थे तुप ले, तू तुझ नहीं जानता, तू हफ्ते में एक बार नहाता, तू हफ्ते में एक बार नहाता, अब वही बेतुब लो महीनों महीनों नहीं नहाने ताप, सात नहाएं दे, तब पानी नहीं है तो ताँ ते नहाएं दे ताप, सीधी सी बात है, पानी बताते तलो, भाई आज पानी बताएंगे तब तो तल ताम आएगा ना ताप, लेकिन मैं तो तुनता नहीं है ताप, दे तो ताप बातों बातों में बताना भूल दिया, तैलते तो आदमी आता है, दांव ते बाल बेचता है ताप, बत्तों तो तमान बेचता है, और ताप में पानी भी बेचता है, पाउच वाला। अब हम लोग तो लोल लोल थरीद नहीं रहते ताप, तरीब आदमी है, ता तले। मैंने इतने लोगों से पानी मांगा लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ कोई पानी बेचने वाला भी आता है। ताप, थैंक यू मंटू। बेटा आला, बहुत प्यारा लगता है। अखबार ले लो, अखबार, अखबार ले लो रे, अखबार, अखबार ले लो रे, अखबार। भाई साहब, हाँ, अखबार चाहिए? 10 रुपए का 2 हैं, दे दूँ? नहीं भाई साहब, अखबार नहीं चाहिए। शहर से कोई पानी बेचने आता है, वो कहाँ बैठता है आप बता सकते हैं क्या? मुझे पानी पीना था भाई साहब। अच्छा, पानी पीना है आपको है? एक काम करिए, यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाइएगा, एक बरगद का पेड़ मिलेगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाना, वहाँ से सीधा जाओगे तो एक नीम का पेड़ मिलेगा, वहीं कहीं बैठता है वो। हाँ, अखबार ले दूँ? नहीं भाई साहब, अखबार लेकर क्या करूँगा भाई साहब, आजकल तो नेट का जमाना है, न्यूज वगैरह तो मोबाइल में ही पढ़ लेता हूँ। अरे भाई, पढ़ने के लिए नहीं, पहुँचने के लिए। जी अरे इस गांव में पानी की किल्लत है ना भाई। हाँ, लोग सुबह लूटा लेके नहीं जाते, अखबार लेके जाते हैं पहुँचने के लिए। हाँ, दे दूँ? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई शर्माओ मत, रखो रखो पैसे बाद में दे देना। अरे भाई, कब कैसा समय आ जाए कोई नहीं जानता, और इस गांव में तो पानी भी नहीं है। हाँ, क्या करोगे? अखबार ले लो रे, अखबार। कब का सब कहा जाए कोई नहीं जानता, और इस गांव में तो पानी भी नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? साहब जल्दी से पानी दे दीजिए। अरे साहब आप लेट हो गए, पानी तो खत्म हो गया। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक मत करिए। अरे क्यों नहीं हो सकता साहब, आज पानी मेरे पास खत्म हुआ है साहब, कल इस देश से गायब होने वाला है, और इसके जिम्मेदार आप और हम हैं साहब, कोई और नहीं। जहाँ एक लोटे की जरूरत होती है वहाँ हम लोग एक बाल्टी पानी बहा देते हैं, बस उसी का नतीजा भुगत रहे हैं, क्या कर सकते हैं। खैर साहब, अब तो मेरे जाने का समय हो गया है, अब कल टाइम से आ जाइएगा।